नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर में आपके साथ शुभानी पांडे। पाकिस्तान आतंकवाद फैलाने के अलावा कुछ भी करना नहीं जानता है, वो केवल और केवल आतंकवाद फैलाना जानता है। और अगर कोई दूसरा कुछ करे भी तो उससे चिढ़ने लगता है। अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती कराने के बाद भी पाकिस्तान को अब तक होश नहीं आया है। पाकिस्तान अब इंडियन एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। पाकिस्तान की मानवाधिकार मंत्री डॉक्टर शरीन एम मजारी ने भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को यूएन के सद्भावना दूत यानी कि गुडविल एम्बेसडर के पद से हटाने की मांग की है। शरीन ने प्रियंका पर जम्मू कश्मीर को लेकर सरकार के निर्णय का सार्वजनिक रूप से समर्थन करने का आरोप भी लगाया है। यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक को मंगलवार को लिखे पत्र में शरीन ने कहा, मैं प्रियंका चोपड़ा के मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी, जिन्हें आपने गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे पाकिस्तान की तरफ से पत्र में कहा गया है कि प्रियंका ने भारत के निर्णय की सार्वजनिक रूप से सराहना की है और वहां के रक्षा मंत्री की तरफ से पाकिस्तान को दी गई परमाणु धमकी को समर्थन किया है। उनकी टिप्पणी शांति और सद्भावना के सिद्धांतों के विपरीत है। अगर उन्हें जल्द नहीं हटाया गया तो ये पद वैश्विक तौर पर मजाक का विषय बन जाएगा। तो वाकई पाकिस्तान हर ओर से चिढ़ा हुआ है, वो बिलबिला रहा है कि कुछ कोई तो हमारी मदद करो, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है पाकिस्तान को, क्योंकि जब तक वो आतंकवाद का समर्थन करेगा तब तक शायद ही कोई इसको सुनेगा। ज्यादा जानकारी के लिए और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।